श्रीनगर के बाग मेहताब में किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट मामले में श्रीनगर पुलिस ने घर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने मकान को भी सील कर दिया है। पुलिस ने अल्ताफ हुसैन अफाकी को अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा के तहत गिरफ्तार किया है। याद रहे कि इससे पहले पुलिस ने सोमवार को बाग मेहताब श्रीनगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 4 महिलाओं, 2 ग्राहकों और 2 रैकेट चलाने वालों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बाग मेहताब में जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया, उसके बाद 8 अफराद को गिरफ्तार किया और कल शाम उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जो मकान मालिक है, जिस रेंटेड अकोमोडेशन में ये धंधा चल रहा था, उस मकान मालिक को भी अरेस्ट किया गया है और जो प्रॉपर्टी है इसको भी सील किया जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, उस इंफॉर्मेशन के एन मुताबिक उस ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने यहाँ पर आके इस प्रॉपर्टी को सील किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेडेड बाई तहसीलदार, उसने यहाँ पर, वो यहाँ पर आए हैं, पुलिस पार्टी यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने ये जो अकोमोडेशन है जहाँ पर यह धंधा चल रहा था, ये इसको सील किया है। मैं आपको बता दूँ, ये मामला ऐसा था कि पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की, रेड की और जो जिस्म फरोशी का रैकेट था उसका पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने 4 सेक्स वर्कर्स, 2 कस्टमर्स और जो ये बंदे चला रहे थे, 2 लोग, उनको गिरफ्तार किया था। यानी लोगों को पहले गिरफ्तार किया था, उसके बाद कल जो मकान मालिक है, जिस ये मकान में ये धंधा चल रहा था, ये बेसिकली उन्होंने रेंट पे लिया था और इस मकान का ओनर, उसको कल पुलिस ने अरेस्ट किया है। ITPA सेक्शन 3 के तहत उन्होंने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने ये जानकारी दी थी कि सेक्शन 18 ITPA के तहत इस प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा और उसके मुताबिक आज सुबह सवेरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस पार्टी यहां पर आई है, इस प्रॉपर्टी को सील किया है। कुछ मकामी लोग हैं मेरे साथ, इनसे मजीद जाने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये इस कार्रवाई को देखते हैं। मुझे अपना नाम बताया पहले। मेरा नाम है पीर शौकत अहमद हजरत, मैं बागी माता का रहने। किस कन शुद्ध उछन यह कार्रवाई तो क्या था वन वैसे घोड़े कर ये पुलिस बेहतरीन कार्रवाई बड़े फर्स्ट क्लास पे यह बड़े बेहतरीन चीज जनाब वेली ये मतलब ये पुलिस कर ये ये हाल हाल ये बाग महतबस मे कांड गो खुदावंदी करीमस कुन शुक्र प्रॉपर बाग महताब नफर छा नूर यथ मन ना सोन लड़की यह रबुल करीम सजत अलबत पापरिक जनाब वेली आम वर्मल पे आम क्या वन पुलवाम पे फार फलंग लड़की योर आमुत पुलिस तर बड़ बेहतरीन कार्रवाई बहु पुलिस रिक्वेस्ट कर जनाब वेली मरी सत दुहे बाग महतबस मे गशिव कर ताकि अच्छा वन जनाब वेली कह रेंटल पे रेंटल बेसल पे आम यो बचने तिमन करू आइडेंटिफिकेशन चेक तिमन करू जरूरी करू तिमन जनाब वेली ये चेकिंग बहु मस्जिद कमेटी इस बाग महताब जामिया तुम करू सा मीटिंग तुम करू सा मीटिंग जनाब वेली पानव पब्लिकस मे चूल साो शाम 9 बजे पथ कुन ना नफर 10 असो पूर सारे दिवान नजर इस बाशे यह गलत नफर यप मूवमेंट कर सकूँ सब पुलिस दिन क्या करनी योर यह रबुल करीम सी मेहरबानी अच्छी बाग महताब बड़ असल ये मतलब ये मतलब ये थो खुदावंदी करीम अजत गामों पे योर बे ग ये रेंटस पे मकान दुतमुत अमिस ग ज्यादा जनाब वेली ज्यादा सख्ती करें यह बोड बार चैन अस दमो पुलिस साथ पको पुलिस शान पशान सतन कसन मज यह चैन खत्म करें जनाब वेली। तो नाजरीन, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बाग महताब का इलाका है और यहाँ पर काफी सारे लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं जो यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं। इन्होंने अपील की है पुलिस से इस पूरी कॉलोनी की जांच की जाए, यहाँ पर पूरी कॉलोनी में कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ कहीं पे भी लोग किराए पर रह रहे हैं वहां पर छापामारी होनी चाहिए, वहां पर उनको चेकिंग की जानी चाहिए कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों ने जो यहाँ पर मोहल्ला कमेटी है उसे भी अपील की है कि अपने मोहल्ले पर नजर रखी जाए और शाम के अवकात में ये देखे जाए, क्योंकि इस कॉलोनी में बहुत सारे लोग रेंट पर रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, उन पर नजर रखी जाए आखिर किस तरह की वो मूवमेंट कर रहे हैं, ताकि जिस तरह का ये मामला पेश आया है इस तरह का कोई भी मामला आने वाले वक्त में पेश ना आए। न्यूज 18 के लिए मेहताब श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।